हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी फ्रेंड फूडी जयश्री। आज मैं लेके आई हूं झटपट सी बनने वाली मटन दम बिरयानी। जी हाँ, आप सब बहुत बार शायद मटन बिरयानी बना चुके होंगे। एक बार आप ऐसे इजी मेथड से बना करके देखिए कितना आसान और कितना टेस्टी दम मटन बिरयानी बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मटन बिरयानी के लिए मैं आधा किलो मटन यूज़ किया। इसी का साथ दे रही हूँ हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक वो भी करीबन हाफ टी स्पून, कश्मीरी रेड चिली 1 टीस्पून देखिए भर के, हाफ टी स्पून ये नॉर्मल रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, दही 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, मेल्टेड गावा घी 2 टेबलस्पून। अभी दे रही हूँ बेरिस्ता। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं बेरिस्ता रेडी करके रखी हूँ। ऑयल में ऑनियन को जस्ट फ्राई करके रखी हूँ। 2 अनियन का बेरिस्ता यूज़ किया। ये दे रही हूँ फ्राइड किशमिश, ये ऑप्शनल है। काजू फ्राई ये भी ऑप्शनल है। चॉप्ड धनिया और पुदीना, साथ में दे रही हूँ कटी हुई ग्रीन चिल्ली 4। अभी थोड़ा थोड़ा सब बचा के रखी हूँ, ये बाद में यूज़ होने वाला है। मैं 4 अनियन चॉप्ड करके फ्राई की थी, 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और 2 साइड में रख रही हूँ। अभी मटन का साथ सभी मसाला अच्छा से मिक्स कर रही हूँ। दे रही हूँ ड्राई खड़ी मसाला 2 तेज पत्ता, लौंग इलायची दालचीनी बड़ी इलायची जावित्री और जायफल। अभी दे रही हूँ नाटमेग पाउडर। अभी सभी खड़ी मसाला को मटन के साथ मिक्स करके आधा घंटे के लिए ढक के अभी रख दूँगी। साइड में मटन तो मैरिनेट हो रहा है, अभी मैं राइस के लिए रेडी कर रही हूँ। पानी गर्म होने के लिए रखी हूँ, साथ में दे रही हूँ नमक। फ्रेंड्स देखिए पानी बॉईल हो रहा है, अभी इसका साथ दे रही हूँ 2 तेजपत्ता। इसी का साथ दे रही हूँ लौंग इलायची दालचीनी साजीरा कबाब चीनी स्टार एनिस, इन सभी चीज़ों को राइस के साथ पकाऊंगी। ये एक्चुअली मुंह में लगने से बहुत ही ख़राब लगता है, इसलिए मैं इसे एक आप पोटली में दे सकते हैं। मेरे पास एक ऐसे टी स्टेनर है, मैं इसके अंदर सब डाल के मैं दे रही हूँ। देखिए ये टी स्टेनर, इसके अंदर सभी मसाला मैं दे दिया और इसे अभी ऐसे बंद कर रही हूँ। ऐसे ना हो तो एक कपड़े का पोटली के अंदर भी आप दे सकते हैं। देखिए पानी एकदम बॉयल हो चुकी है, अभी इसके अंदर दे रही हूँ राइस। मैं 2 कप राइस को अच्छे से धो करके आधा घंटा भिगो के रखी थी, उसके बाद स्ट्रेनर से इसे स्ट्रेन करके, देखिए पानी एकदम नहीं था राइस में। अभी मैं सभी राइस को बॉयल होने के लिए दे दिया। अभी राइस थोड़ा कुक होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 मिनट हो चुकी है, राइस थोड़ा बॉयल हो चुकी है। इस देखिए बॉयल हो गया बोल के राइस हल्का हो के ऊपर आके आपस में खेल रहा है। इसी वक्त अभी इसके अंदर दे रही हूँ नींबू का जूस, इसलिए नींबू का जूस दे रही हूँ जो राइस कुक होने के बाद सब खिला खिला रहेगा। और साथ में दे रही हूँ 1 टीस्पून का आसपास व्हाइट ऑयल। देखिए राइस कुक हो चुकी है, अभी मैं इसे गैस ऑफ करके इसका जो पानी है मैं वो निकाल रही हूँ। देखिए एक एक करके मसाला निकालना उतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं ये आसान मेथड यूज़ किया था। जो तेज पत्ता है अभी इसे भी निकाल के फेंक दूँगी।
राइस को फिलहाल साइड में रख रही हूँ। देखिए मटन आधा घंटा मैरिनेट हो चुकी है, चलिए इसे अभी कुक करती हूँ। एक कढ़ाई में दे रही हूँ ऑयल, मेरे स्तर से जो ऑयल बाकी बची हुई है ये वही ऑयल है। अनियन की भी फ्लेवर आ चुकी है इसलिए मैं इसी ऑयल से ही बना रही हूँ। इसके साथ दे रही हूँ गवा घी होममेड, ये 2 टेबल स्पून। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है, अभी इसका अंदर दे रही हूँ मटन। ये आ गया मटन, अभी ऐसे करके मटन को फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ रेसिपी शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मटन का रेसिपी है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक ऊपर दिया हुआ है। ये मटन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अभी इसका साथ दे रही हूँ गर्म पानी। मटन गलने के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। देखिए मटन ऑलरेडी कुक हो गया, लेकिन इसमें बहुत ग्रेवी है इसीलिए मैं इसे गैस बढ़ा के ये जो ग्रेवी है ग्रेवी को मैं सुखाऊंगी। अगर ज़्यादा ये ग्रेवी रहेगा तो राइस में आपको गीला गीला लगेगा, उतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। ये जो रोगन है मैं इसे थोड़ा उठा के रख रही हूँ, मैं ऐसे एक कटोरी में उठा के रख रही हूँ। देखिए मटन को कढ़ाई में मैं कुक किया इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे इस टाइम कुकर में भी दे सकते हैं। देखिए ऑलरेडी ग्रेवी कम होते आ रहा है। देखिए मटन एकदम ड्राई हो चुकी है, अभी गैस ऑफ कर रही हूँ। राइस पहले से रेडी करके रखी हूँ, अभी इसके ऊपर दे रही हूँ राइस। देखिए राइस कितना खिला खिला है। राइस बॉयल्ड होने के टाइम जो ऑयल यूज़ किया था वो देने से राइस एक के साथ एक चिपकता नहीं, वैसे खिला खिला रहता है। 3 टेबलस्पून घी दे रही हूँ। देखिए 2 टेबलस्पून मिल्क का साथ थोड़ा सा केसर भिगो के रखी थी, अभी वो दे रही हूँ। घी केसर इतना अच्छा खुशबू आ रहा, अगर आप पसंद करते हो तो इस टाइम फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं खाली केसर यूज़ किया। अभी जी रोगन मैं बचा के रखी थी थोड़ा सा, वो दे रही हूँ। अभी दे रही हूँ बेरिस्ता जो पहले से रेडी करके रखी थी। अभी दे रही हूँ किशमिश फ्राई, ये भी पहले से ही फ्राई करके रखी थी। अभी दे रही हूँ काजू फ्राई, काजू और किशमिश टोटली ऑप्शनल है, आराम से इसे स्किप कर सकते हैं। दे रही हूँ धनिया और पुदीना चॉप्ड। अभी बिरयानी को दम पे बैठाऊँगी इसीलिए एक तवे को मैं गर्म होने के लिए रखी हूँ, अभी इसके ऊपर दे रही हूँ। देखिए तवे के ऊपर अभी बिरयानी का कढ़ाई चढ़ा दिया, तो देखिए बिरयानी ऑलरेडी दम के लिए रेडी हो चुकी है। मैं इसके अंदर दे रही हूँ रोज़ वाटर, केवड़ा एसेंस, मीठा अतर, इसे ढक दूँगी। मैं आटा से सील नहीं करती हूँ, मैं इसके बदले में ये जो कढ़ाई के ऊपर एक बड़ा सा बाटी का अंदर पानी लेके ये मैं बैठा देती हूँ। देखिए पहले 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखती हूँ, उसका बाद गैस को धीमी करके ये पानी मैं इसलिए दिया, पानी जब भी देखिए अभी एकदम ठंडा है, जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे बिरयानी में दम आ चुकी है। उसका बाद देखिए ये जो पानी है, ये जो कढ़ाई है इसमें मैं दे रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा कि पता नहीं, देखिए पानी एज़ इट इज़ है, लेकिन जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा
तो वो पानी कढ़ाई अब्सॉर्ब करेगा, उस मतलब आपका बिरयानी में दम आ चुकी है और बिरयानी एकदम रेडी। तो चलिए अभी इसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखती हूँ। देखिए 15 मिनट्स हो चुकी है, पानी भी अच्छा खासा गर्म हो चुकी है। देखिए पानी से भाप निकल रहा, और देखिए कढ़ाई में ऐसे पानी का छिटका दे रही हूँ, देखिए साथ ही साथ पानी एब्जर्ब हो रहा। अभी गैस ऑफ कर रही हूँ और मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी। तो इसे अभी ओपन कर रही हूँ, अच्छा खासा दम हो चुकी है। देखिए कितना खिला खिला राइस है और एकदम अच्छा से दम भी हो चुके हैं। अभी इसे सर्व करती हूँ। चॉप्ड धनिया और पुदीना, एक से थोड़ा डेकोरेशन कर दिया, मटन कितना अच्छा से गल चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आसानी से बनने वाला मटन दम बिरयानी एकदम रेडी।